मम्मी को हेलो बोला। नमस्कार दोस्तों। तो ये बकरे की दाढ़ी वाला इंसान पूरब झा की माँ के बारे में बोल रहा है। चलिए ये कितना जहर उगलता है ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी इस वीडियो में। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं। वो एक लड़के की मम्मी से मेरा अफेयर था यार एक जमाने में। यहाँ पर ये पूरब झा की माँ के बारे में बोल रहा है। बेटा तेरी आंखें देख के नहीं लगता तेरी डैडी कौन है? पहचान बेटा, क्या है मम्मी के और हमारे बीच में गहरा रिश्ता था। तो जैसे कि आप सुन रही है अपने मुंह से गू निकाल रहा है कितना गंदा। हम लोग पीछे से निकालते हैं ये अपने मुंह से निकालता है। फिर हमने जाने दिया, हमने क्या जाने दो। इसलिए तुम पे हमारा असर है थोड़ा। हमारी मम्मी हमसे बहुत प्यार करती थी बेटा। अपने डैडी से ऐसा नहीं करते बेटा। और मम्मी से कहना आज भी हम उनसे इतना ही प्यार करते हैं। हाँ पूरब, और तुम्हारा नाम इसलिए पूरब रखा था, हम पूरब के किनारे मिला करते थे और पूरब से लेके पश्चिम तक हम जाया करते थे दोनों हाथ पकड़ के। मम्मी से पूछना, कहेंगे तुमसे। हमसे मुंह ना लगो बेटा, इसीलिए हम मम्मी से शादी नहीं किए। पर ठीक है, खुश रहो जहाँ भी रहो। आपने अपने कानों से सुना है इसने क्या क्या वल्गरिटी कहा है पूरब झा के माँ के बारे में। आखिर क्यों ये कहा है, किस लिए कहा है, कमेंट में बताएं। इस बंदे से बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि पूरब झा एक बिहारी है और ये झुकेगा नहीं। तो ये झूठा जो टैग लगाया ना, माफ़ कर दो, ये तो इस ज़िंदगी में तो कभी नहीं बोलेगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि एक बिहारी है और बिहारी तोड़ देगा लेकिन झुकेगा नहीं साला।